हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग डोर, विंडो, स्टेयर और लिंटल, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स हैं। हमने बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को पूरा कर लिया है और आज से हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्लास थ्री लेवल के क्वेश्चन तो इसमें से ही बनते हैं, आप कह सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीमेंट, कंक्रीट और मटेरियल से बनते हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, डोर, विंडो, स्टेयर, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द पार्ट ऑफ द वॉल एट द साइड ऑफ एन ओपनिंग इज नोन एज। दीवार का वो पार्ट जो साइड से ओपनिंग होती है, साइड से खुला होता है, या फिर अब इसको हम वर्टिकल पार्ट भी कह सकते हैं। एट द साइड ऑफ ओपनिंग, साइड में जो दीवार की ओपनिंग दिखाई आपको देती है, जो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है किसी फ्रेमवर्क को, उसको बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं उसको? जैम। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ राइजर इन एनी वन फ्लाइट इन एन इंटीरियर वुड स्टेयर सेल नॉट बी मोर देन। किसी स्टेयर की एक फ्लाइट में राइजर की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो आंसर विल बी 12। एक फ्लाइट में हमें मैक्सिमम 12 नंबर ऑफ जो है राइजर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल 6WS12 रिप्रेजेंट। 6WS12 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? 6W का मतलब है कि विंडो की साइज़, W विंडो है, साइज जो है 600 mm और 1200 mm होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टर्माइट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज आर नॉर्मली यूज इन रेसिडेंशियल लोकेशन। टर्माइट हमें पता है वाइट आयंट होता है, जो एक प्रकार का हिंदी में उसको दीमक बोलते हैं, दरवाजे में लग जाता है, फर्नीचर में लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें जो है कौन सा केमिकल जो है यूज़ किया जाना चाहिए? तो आंसर आपका ऑप्शन पूछ दिया, एल्ड्रीन, टॉलिन या हेप्टेकोलर, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? तो आंसर विल बी एल्ड्रीन और हेप्टेकोलर, ऑप्शन सी सही है। केमिकल का नाम आपको याद रखना है, एल्ड्रीन है और हेप्टेकोलर करके केमिकल आता है जो हम उससे बचाता है वाइट एंड से। नेक्स्ट, अ विंडो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ ए रूम इज टर्म्ड एज। ऐसा विंडो जो रूम के बाहर की तरफ खुलती हो, उस विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बे विंडो। क्या बोलेंगे? बे विंडो। नेक्स्ट, वर्टिकल मेंबर फिक्स बिटवीन स्टेप एंड हैंड रेल इज नोन एज। वर्टिकल मेंबर जो है स्टेप्स और हैंड रेल के बीच में जो वर्टिकल मेंबर फिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं बालूस्टर। क्या बोलते हैं उसको? बालूस्टर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड्स इज नोन एज। दो सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं राइज। नेक्स्ट, वर्टिकल मेंबर इन मिडिल ऑफ ए विंडो फ्रेम विच सब डिवाइड द विंडो इज नोन एज। वर्टिकल मेंबर विच सब डिवाइड द विंडो, मिडिल में होता है और विंडो को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजोम, मुलियन, रिबेट या जैम। तो उसको बोलते हैं मुलियन। जो वर्टिकल मेंबर होता है और विंडो को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं मुलियन। मॉइस्चर कंटेंट रिकमेंडेड फॉर डोर इज, डोर के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका कितना परसेंट रिकमेंडेड होता है? तो आंसर विल बी 10-12%। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन द फ्लाइट कुड नॉट बी शुड जनरली बी रेस्ट्रिक्टेड टू। तो अभी हमने डिस्कस किया है, एक फ्लाइट के अंदर स्टेप्स की जो नंबर है वो 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉग लेग स्टेयर आर, डॉग लेग स्टेयर जो है किस प्रकार का स्टेयर होता है? हाफ टर्न स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर या थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर। तो आंसर विल बी
हाफ टर्न स्टेयर होते हैं डॉग लेग स्टेयर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच रूफ इज नोन एज। जो मान लो ये रूफ है और उसके स्लोप पे जो विंडो प्रोवाइड की गई है उस विंडो को, उस प्रकार के विंडो को हम लोग बोलते हैं डॉर्मर विंडो। जो रूफ, पिच रूफ के स्लोपिंग साइड में जो विंडो प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं डॉर्मर विंडो। नेक्स्ट, ए डोर इज डिज़ाइन एज 8DS20 वेयर डी एंड एस डिनोट्स। एक डोर को ऐसा लिखा गया है कि 8DS20, इसमें डी क्या है और एस क्या है। तो डी का मतलब है कि डोर ओपनिंग और एस मतलब है सिंगल शटर। ठीक है, सिंगल शटर और डोर ओपनिंग। सिलेक्शन ऑफ साइज, शेप, लोकेशन एंड द नंबर ऑफ विंडो इन द रूम डिपेंड ऑन। रूम की साइज़ के ऊपर, रूम के लोकेशन के ऊपर और डायरेक्शन ऑफ विंड, तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजनरी लाइन कनेक्टिंग प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ऑल थ्रेड एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ स्टेयर इज टर्म एज। एक इमेजनरी लाइन है जो सभी थ्रेड को कनेक्टेड करके आगे बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोजिंग लाइन। ठीक है, वर्टिकल फेस ऑफ डोर और ए विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम इज नोन एज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जैम। ठीक, तो जो वर्टिकल फेस विंडो का जो क्या करता है, डोर और विंडो को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं जैम। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन द फ्लाइट शुड बी जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू। सिंपल क्वेश्चन है, 12 नंबर ऑफ फ्लाइट जो है उससे ज़्यादा हम जो है एक फ्लाइट के अंदर नहीं प्रोवाइड करते हैं स्टेयर। नेक्स्ट, हाफ टर्न स्टेयर आर द स्टेयर विच चेंज दियर डायरेक्शन। तो हाफ टर्न स्टेयर जो है वो कितने डिग्री पर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। इन 10DS20 डी एस रिफर एस, 10DS20 में डी एस क्या है, डी जो है डोर है और एस मतलब सिंगल शटर। ठीक है, 10DS20 में डी आपका डोर है और एस जो है आपका सिंगल शटर है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सील ऑफ ए डोर फ्रेम विच आर एम्बेडेड इनटू द साइड वॉल फॉर फिक्सिंग फ्रेम आर नोन एज। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन एट हेड और सील, ये दोनों हेड और सील के ऊपर ऑफ साइड ऑफ डोर फ्रेम विच आर एम्बेडेड इनटू साइड वॉल, जो दीवार के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो दीवार के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हॉर्न। उसको क्या बोलेंगे, हॉर्न, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को। नोजिंग इज अ आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ, नोजिंग जो है वो किसका आउटर प्रोजेक्शन है, वो थ्रेड का आउटर प्रोजेक्शन होता है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डोर और विंडो विथ डियर डिस्क्रिप्शन। तो एक होता है रिबेट, एक होता है रिवेल, एक है सील और एक है ट्रांसोम। ठीक है, तो रिबेट जो है वो एक प्रकार का डिप्रेशन या कट होता है इन फ्रेम टू रिसीव द डोर। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। रिबेट का मतलब है इट इज़ अ डिप्रेशन कट इन द फ्रेम टू रिसीव द डोर, डोर को बांधने के लिए या फिर डोर को फिक्स करने के लिए जो है उसके अंदर, फ्रेम के अंदर एक प्रकार का कट करते हैं। रिवेल एक जो है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जैम ऑफ ए डोर और ए विंडो ओपनिंग एट द राइट एंगल टू द फेस ऑफ वॉल। ठीक है, स्टाइली क्या है, स्टाइली इज अपराइट और ए वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ ए शटर और फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर जो है उसको बोलते हैं स्टाइली। और ट्रांसोम जो है वो क्या है, ट्रांसोम एक प्रकार का हॉरिजेंटल मेंबर है डिवाइडिंग इन ए विंडो और ए डोर फ्रेम। तो याद रखिएगा, ट्रांसोम जो है वो हॉरिजेंटल मेंबर है, जैम जो है वो एक वर्टिकल मेंबर है। नेक्स्ट, इन अ स्टेयर केस हेड डेप्थ ऑफ द स्टेप इज 270 mm। एक स्टेयर केस के अंदर हेड डेप्थ जो है वो 270 mm है एंड हाइट ऑफ राइज ऑफ वन स्टेप इज 150 mm।
एक स्टेप की जो राइज की हाइट है वो 150 mm है। यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज 25 kN पर मीटर क्यूब, द वेट ऑफ ईच स्टेप विल बी, तो हर स्टेप का वेट कितना होगा, ठीक है। तो इसको हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर स्टेप का हमें जो है वेट निकालना है। क्या दिया है, डेप्थ थ्रेड डेप्थ ऑफ द स्टेप इज 270 mm, थ्रेड डेप्थ जो है वो 270 mm दिया हुआ है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि वेट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप का वेट वेट कितना हो जाएगा, तो उसको डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट और मल्टीप्लाई जो है वॉल्यूम ऑफ स्टेप, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टेप। तो स्टेप का हमें जो है क्या दिया है, 270 mm उसकी डेप्थ दी है और 150 mm उसका हाइट दिया है, ठीक है। 270 mm उसका क्या दिया है, डेप्थ और हाइट। तो इसका जो है आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 270 इसका डेप्थ है और हाइट जो है इसका दिया है 150 mm, तो इसकी एरिया जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 270 × 150, ठीक। इसको हमें जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये मिल जाएगा उसका वेट। तो वेट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप का जो वेट है, इसमें आप जब कैलकुलेट करोगे डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई जो है उसका पर यूनिट डेप्थ करेंगे, तो 270 × 150 / 2 × 10^6, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको 0.506 kN मीटर पर मीटर विड्थ ऑफ द स्टेयर केस आ रहा है, ठीक है। पर मीटर निकालना है, मतलब एक मीटर पे, एक मीटर के हिसाब से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 840, हाउ मेनी ट्रेड्स आर रिक्वायर फॉर अ स्टेयर केस हैविंग 130 mm राइजर एंड फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज 3.51 meters। अब देखो राइजर, एक तो ट्रेड का फॉर्मूला होता है ट्रेड बराबर राइजर माइनस वन। 130 mm का राइजर है और हाइट जो है 3.51 है, तो 3.51 meters को 130 से आप जैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, हमें जो है क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रेड पूछा है, तो राइजर कितना मिल जाएगा, राइजर आपका मिल रहा है 27, और 27 में से एक माइनस करेंगे तो 26 आपको जो है थ्रेड मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस द लिंटल बैंड शुड बी प्रोवाइडेड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रॉपरली हो उसके लिए हमें जो है लिंटल बैंड जो है कहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो लिंटल बैंड जस्ट अबोव द डोर और विंडो, थ्रू आउट द पेरीफेरी ऑफ रूम, बिटवीन टू डोर और विंडो एट द सेम लेवल, थ्रू आउट द वॉल ऑन विच डोर एंड विंडो ओपनिंग इज प्रोवाइडेड। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हमें बनाना है, तो लिंटल जो है चारों तरफ हमें बांधना पड़ेगा रूम के पूरे पेरीफेरी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटर अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 dt 24 का मतलब क्या है, 10 dt 24, तो ये है फ्रेम ऑफ डबल शटर डोर विथ विड्थ इज 10 modules एंड हाइट इज 24 modules, ठीक है। 10 dt 20, तो ये होता है फ्रेम ऑफ डबल शटर, dt का मतलब है डबल शटर डोर, ds होता है तो सिंगल शटर डोर हो जाता है। चलो t इज अ थिकनेस ऑफ लिंटल, s इज द क्लियर स्पान ऑफ ओपनिंग, देन द लेंथ ऑफ द लिंटल इज गिवन बाई, तो लेंथ ऑफ द लिंटल बराबर क्लियर स्पान प्लस 2 × थिकनेस, ठीक है। तो l बराबर 2s + 2t। इन जैक आर्क फ्लोर द राइज इज केप्ट डैश ऑफ द स्पान, जैक आर्क फ्लोर के अंदर जो राइजिंग है वो कितना ऑफ स्पान प्रोवाइड करते हैं, 1/12 ऑफ द स्पान। मिनिमम हेड रूम रिक्वायर इन द स्टेयर केसेस,
स्टेयर केस के अंदर मिनिमम हेडरूम कितना होता है, तो 2 मीटर होता है, 2.1 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट अ स्टेयर केस, स्टेयर केस के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड विच इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर, ये गलत है, उसको बोलते हैं नोजिंग। राइजर से थोड़ा सा आगे जो निकालते रहते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नोजिंग, तो उसको स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। सॉफिट इज अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग और ए थ्रेड टू ब्यूटिफाई द स्टेप एलिवेशन। सॉफिट जो है एक प्रकार का एडिशनल मोल्डिंग बोला, ये सॉफिट भी एडिशनल मोल्डिंग नहीं होता है। सॉफिट तो हम साइड में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अंडर नहीं प्रोवाइड करते। नेक्स्ट, बॉलिस्टर इज ए मेंबर सपोर्टिंग, चलिए देख लेते हैं, बॉलिस्टर इज ए मेंबर सपोर्टिंग द हैंड रेल, ये सही है कि हैंड रेल को जो सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं बॉलिस्टर। नेवल पोस्ट इज अ वर्टिकल मेंबर एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड स्टेयर केस शुड प्रिफरेबली हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रिस्पेक्टिवली। अच्छी स्टेयर केस की जो क्राइटेरिया है उसके अंदर मैक्सिमम पिच 45 डिग्री और मिनिमम पिच जो है वो 25 डिग्री होना चाहिए। डॉगल स्टेयर केस आर, डॉग लेग्ड स्टेयर केस जो है वो हाफ टर्न स्टेयर केस होती हैं। मिनिमम रेशियो ऑफ ओपनिंग ऑफ डोर एंड विंडो टू द कारपेट एरिया ऑफ द रूम फॉर वेंटिलेशन सेल भी। तो डोर और विंडो की जो ओपनिंग होती है कारपेट एरिया का कितना परसेंट लेते हैं, तो कम से कम 10% जो है हम ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। विच काइंड ऑफ द हिंज इज प्रोवाइडेड टू ओपन द डोर एनी फ्रॉम द वॉल एट 180 डिग्री। यदि हमें डोर को 180 डिग्री ओपन करना है तो किस प्रकार का हिंज प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट हिंज। विंडो प्रोवाइडेड इन स्लोपिंग रूफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एयर एंड लाइट इज नोन एज, स्लोपिंग रूफ पे जो विंडो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डॉर्मर विंडो। स्लोपिंग रूफ में जो विंडो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलता जाता है डॉर्मर विंडो। मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंड ऑन द ईच साइड ऑफ डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली। तो डोर में 3 होता है और विंडो में 2 होता है, होल्ड फास्ट जो डोर को पकड़ के रखता है। तो दरवाजे में 3 होल्ड फास्ट लगाते हैं कम से कम और विंडो में 2। फॉर द पर्पस ऑफ एयर सर्कुलेशन विच डोर इज़ प्रोवाइडेड, एयर सर्कुलेशन के लिए कौन सा डोर प्रोवाइड करते हैं, तो लोवर्ड डोर प्रोवाइड किया जाता है। इन एनी गुड स्टेयर केस मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच इज रिस्पेक्टिवली 40 डिग्री जो है मैक्सिमम होगा, 25 डिग्री मिनिमम होगा। द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप आर कॉल्ड एज, बीम सपोर्टिंग स्टेयर स्टेप्स, स्टेयर की जो स्टेप्स हैं उसको सपोर्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंगर बीम। कौन सा बीम बोला जाता है, स्ट्रिंगर बीम। नंबर ऑफ द ट्रेड इन द फ्लाइट इज इक्वल टू राइजर माइनस 1, ट्रेड बराबर राइजर माइनस 1, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम बियरिंग ऑफ लिंटल शुड बी, बियरिंग नहीं लेंथ की बात कर रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द लिंटल शुड बी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। टेपरिंग स्टेप प्रोवाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टेयर आर नोन एज, तो स्टेयर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग जो है टेपरिंग स्टेयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं वाइंडर। टर्म बॉलिस्टर इज रिलेटेड टू, बॉलिस्टर जो है किसके साथ जुड़ा हुआ, स्टेयर के साथ। हॉरिजेंटल मेंबर प्लेस अक्रॉस द ओपनिंग ऑफ ए डोर एंड विंडो इज कॉल्ड एज, हॉरिजेंटल मेंबर को क्या बोलते हैं जो डोर और विंडो के समय प्रोवाइड करते हैं उधर, उसको बोलते हैं छज्जा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच टाइप ऑफ द डोर प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी, इसमें से कौन सा डोर सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, दैट इज सॉलिड कोर फ्लश डोर. प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ थ्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर, उसको बोलते हैं नोजिंग. डैश आर द टेपरिंग स्टेप विच प्रोवाइडेड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर. तो टेपरिंग स्टेप कौन सी है जो स्टेप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं विंडर. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन ए फ्लाइट शुड जनरली बी रेस्ट्रिक्टेड टू 12 नंबर ऑफ फ्लाइट. 12 नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग ज़्यादातर एक फ्लाइट में रखते हैं. वर्टिकल मेंबर विच इज फिक्स बिटवीन स्ट्रिंग एंड हैंड रेल टू गिव द सपोर्ट टू द हैंड रेल इज नोन एज, उसको बोलते हैं बॉल्यूस्टर. द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर, उसको बोलते हैं नोजिंग. टोटल लेंथ ऑफ द स्टेयर इन द हॉरिजेंटल प्लेन इंक्लूडिंग लैंडिंग इज नोन एज. टोटल लेंथ ऑफ द स्टेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन बोला जाता है. वेन द स्पेस अवेलेबल इज लॉन्ग, जब स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है बट नैरो इन शेप, पतला है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेयर शुड बी यूज, तो लॉन्ग स्पेस है लेकिन पतली जगह अवेलेबल, उस समय हम कौन सा जो है स्टेयर यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रेट स्टेयर. द विंडो विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एडमिटिंग लाइट इन टू द रूम, उसको बोला जाता है डॉर्मर विंडो. कौन सा विंडो प्रोवाइड करेंगे, डॉर्मर विंडो. नेक्स्ट, वर्टिकल मेंबर फिक्स बिटवीन स्टेप एंड हैंड रेल आर नोन एज, उसको बोलते हैं बॉल्यूस्टर. वर्टिकल फेस ऑफ डोर ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ ए डोर इज नोन एज, उसको बोलते हैं जैम्प. वर्टिकल फेस को जैम्प बोलते हैं, हॉरिजेंटल होगा तो ट्रांसोम हो जाएगा. अमूलियन क्या करता है, दोनों को डिवाइड करता है हाफ हाफ पोर्शन में. वाइल डिजाइनिंग द स्टेयर द प्रोडक्ट ऑफ राइज एंड गोइंग अप्रोक्सीमेटली केप्ट इक्वल टू, राइजर राइज और गोइंग का जो प्रोडक्ट है वो कितना रखते हैं, आंसर विल बी 420. लोअर डोर जो है वो कहाँ पर ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है, फॉर द वेंटिलेशन पर्पस, टॉयलेट में हम लोग ज़्यादातर लगाते हैं. लिंटल नी बेरिंग ओछा में ओछी किटली हो छे, तो 15 सेंटीमीटर. सामान्य रीते दादर ना एक फ्लाइट में वधु केटलू पगथिया हो छे, आंसर विल बी 12. एक फ्लाइट में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, 12. वर्टिकल मेंबर प्रोवाइडेड इन डोर फ्रेम इज कॉल्ड एज, वर्टिकल मेंबर प्रोवाइडेड इन डोर फ्रेम. डोर फ्रेम में जो वर्टिकल मेंबर हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट. इन पब्लिक बिल्डिंग मिनिमम थ्रेड विड्थ शुड बी, पब्लिक बिल्डिंग में थ्रेड की कम से कम विड्थ जो है कितना रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर. प्रोजेक्शन ऑफ थ्रेड बियॉन्ड द राइजर, राइजर से थोड़ा सा आगे की तरफ जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं नोजिंग. विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड एज, स्लोपिंग रूफ में प्रोवाइड करने वाली जो विंडो होती है उसको बोलते हैं डॉर्मर विंडो. अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ डोर फ्रेम इज नोन एज, डोर फ्रेम का सबसे अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट जो है उसको बोलते हैं हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोर इज यूजली प्रोवाइडेड फॉर गैराज शॉप गोडाउन एक्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे, फ्लश डोर, पैनल डोर, लोअर डोर या रोलिंग शटर डोर. तो ज़्यादातर हम लोग जो है रोलिंग शटर डोर का इस्तेमाल करते हैं. तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे डोर है, विंडो है, स्टेयर केस है, ठीक है, इन सभी के ऊपर से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और लग रहा है कि वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप जो है अपना कमेंट जो है दे सकते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन.
थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।